हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बेटा नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमें पता होते हैं कि मान लो कार्बन के चार बॉन्ड है, हाइड्रोजन के एक बॉन्ड है, लेकिन कई जगह जो बॉन्ड होते हैं वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज ये जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाई यूजिंग सम साइंस, कुछ साइन का यूज करके हम सीखते हैं आज। यूजिंग सॉलिड बैच, सॉलिड बैच जो लाइन होती है इस तरीके से सॉलिड इसको फिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश्ड बैच, इस तरीके से डैश, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। तो देखिए कैसे जो सॉलिड बैच होता है, इंडिकेटिव बॉन्ड लाइन अबोव द प्लेन ऑफ ए पेपर एंड प्रोजेक्टिंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, प्रोजेक्टिंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। देखिए मैं आपको समझाती हूँ पहले। ये हमारे पास मान लीजिए एक प्लेन पेपर है, ठीक है। इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे मान लो कार्बन है, तो इसके साथ में जो बॉन्ड बन रहा है, इसी पेपर पे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम नॉर्मल लाइन, या नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है इसके ऊपर की तरफ बॉन्ड और एक नीचे की तरफ। ऊपर की जो तरफ बॉन्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सॉलिड बैच से, और ये होता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। बिलो द पेपर, पेपर के नीचे ऐसे जो बॉन्ड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डैश्ड बैच से, और ये कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखिए बेटा जो ये डैश्ड बैच है ये रिप्रेजेंट करेगा ए बॉन्ड लाइन बिलो द पेपर एंड प्रोजेक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉन्ड। नेक्स्ट जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्ड लाइन इन द प्लेन ऑफ ए पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जो बॉन्ड बना है उसको रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल लाइन से। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे नॉर्मल मीथेन होता है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे मीथेन से, चार बॉन्ड है इसके, ठीक है। अब ये जो 3D स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसमें कैसे करेंगे, ये दो बॉन्ड तो ऐसे हो गए नॉर्मल लाइन से, एक सॉलिड बैच दिख रहा है और एक डैश्ड बैच। अब देखिए ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया और इसका जो ब्रॉड एंड है वो यहाँ पे आते आते नैरो हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, जो ब्रॉड एंड होता है ये किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये नैरो जो होता है एंड ये किसकी तरफ होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है ये डैश्ड बैच है, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड सॉलिड बैच बॉन्ड टुवार्ड द ऑब्जर्वर, और ये दोनों कैसे हैं, नॉर्मल लाइन में, क्लियर।